श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत जी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, तपन कुमार गोगोई जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसदगण और इस कार्यक्रम में शामिल और देश विदेश में असम संस्कृति से जुड़े सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। कल पूरे देश में वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली में 3 दिनों के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है, इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में असम के लोग भी इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं। मैं आप सभी का, असम की जनता को और 130 करोड़ देशवासियों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है। लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां, भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। मैं इस पुण्य अवसर पर लसित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं। साथियों, मानव इतिहास के हजारों वर्षों में दुनिया की कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया, उन्होंने सफलता के बड़े बड़े शिखरों को छुआ। ऐसी सभ्यताएं भी हुई जिन्हें देखकर लगता था कि वो अमर है, अपराजय है, लेकिन समय की परीक्षा ने बहुत सारी सभ्यताओं को परास्त कर दिया, चूर चूर कर दिया।
आज दुनिया उनके अवशेषों से इतिहास का आकलन करती है, लेकिन दूसरी ओर यह हमारा महान भारत है। हमने अतीत के उन अप्रत्याशित जलजावातों को सामना किया। हमारे पूर्वजों ने विदेशों से आए आतताइयों के अकल्पनीय आतंक को झेला, सहन किया, लेकिन भारत आज भी अपनी उसी चेतना, उसी ऊर्जा और उसी सांस्कृतिक गर्व के साथ जीवंत है, अमरत्व के साथ जीवंत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनौती खड़ी हुई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई न कोई विभूति अवतरित हुई है। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए, मनीषी आए, भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले, आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे वीरों ने डटकर मुकाबला किया। लासित बोरफुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंग अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। साथियों, असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग अलग विचारों, विचारधाराओं को, समाजों, संस्कृतियों को, आस्थाओं, परंपरा को एक साथ जोड़ते हैं। अहोम राज में सबको साथ लेकर बने शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विष्णु देउल आज भी इसके उदाहरण है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है।